गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? स्टोरेज पेस्ट, ठीक है। तो स्टोरेज पेस्ट में हम आज कुछ पिछली क्लास में पढ़े थे, कुछ अभी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, स्टोरेज पेस्ट के अंदर कैटेगरी बताई थी। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी, ठीक है, तो कैटेगरी की बात करेंगे। कैटेगरी में हमने मैंने आपको बताया था दो प्रकार की, एक तो होते हैं प्राइमरी फीडर्स, एक होते हैं सेकेंडरी फीडर्स। क्या डिफरेंस है? प्राइमरी फीडर्स वो होंगे जो किसी स्वस्थ बीज, जो एक हेल्दी सीड है, उसके ऊपर फर्स्ट टाइम अगर कोई इंसेक्ट डैमेज करता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फीडर्स, ठीक है। अगर ये जो प्राइमरी फीडर्स हैं इनके द्वारा फीड किए हुए सीड जो है, यानी कि हाफ जो डैमेज सीड है उनके ऊपर यदि कोई पेस्ट लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फीडर्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फीडर्स। अब ये जो सेकेंडरी फीडर्स है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमें पढ़ने हैं सिर्फ प्राइमरी फीडर्स। इसको फिर क्या है, दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक्सटर्नल फीडर्स और इंटरनल फीडर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फीडर्स में हमने कल पढ़ा था, एक तो जो इली आपका पेस्ट था, है ना, रेडरस फ्लोर बीटल, या फिर जो खपरा बीटल था हमने कल पढ़े थे, ये दोनों ही क्या है? एक्सटर्नल फीडर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल फीडर्स, ठीक है। इंटरनल फीडर्स कौन कौन से हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइस वीविल की, ठीक है। राइस वीविल जो पेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सीटोफिलस ओराइजी या फिर सीटोफिलस ग्रेनेरियस। ये दो अलग अलग स्पीसीज है, इनमें क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा अभी आपको आगे चल के। तो सीटोफिलस ओराइजी, अब यहाँ ये नाम आप याद रखना ईजी रहेगा क्योंकि राइस वीविल की बात है और राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा से ये क्या है? ओराइजी, ठीक है, सीटोफिलस ओराइजी। अब फिर बात करेंगे इसकी फैमिली की। तो ध्यान रखना वीविल जितने भी है, वीविल जितने भी होंगे उनकी सबकी फैमिली क्या होती है? कुरकुलियोनिडी, ठीक है। कुरकुलियोनिडी फैमिली है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर की फैमिली है। वीविल जितने भी होगी उनकी फैमिली यही होती है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं होस्ट प्लांट्स की। तो ध्यान रखना यहाँ राइस से कन्फ्यूज मत ना, होस्ट प्लांट ये एक स्टोरेज पेस्ट है। तो ये क्या है? स्टोरेज भंडार के अंदर जितने भी हम ग्रेन्स वगैरह को स्टोरेज करते हैं उन सब के अंदर ये लगता है यहाँ। लेकिन बात करेंगे इसको राइस वीविल क्यों बोला गया, क्योंकि इसको सबसे पहले जो नोटिस किया गया था वो कहाँ किया गया था? राइस ग्रेन्स के ऊपर, ठीक है, इसलिए इसको राइस वीविल नाम दिया गया। तो होस्ट प्लांट तो क्या है, जितने भी हम स्टोरेज वाले जितने भी आपके क्रॉप्स हैं उन सब के अंदर ये लगता है। फिर बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, इसके नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे। तो नेचर ऑफ डैमेज में मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एगलिंग से, तो इसकी एगलिंग जो होती है वो कहाँ होती है? सीड के ऊपर, यानी कि जो फीमेल होती है वो क्या करती है, जो सीड होता है सीड का ऊपरी हिस्सा, मान लीजिए ये सीड है, सीड का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पे क्या है, अपने माउथ से बाइटिंग चेविंग टाइप के माउथ होते हैं इनके, तो यहाँ छेद करेगी, छेद करने के बाद यहाँ क्या करेगी, वो एगलिंग करेगी। एगलिंग करने के बाद जो ग्रब निकल के आता है, ठीक है, ओलियोप्टेरा ऑर्डर होती है उसके लार्वा को क्या बोलते हैं? ग्रब। तो ग्रब जो निकल के आता है ये क्या है, अंदर ही अंदर इसको फीड करता है, इंटरनली फीड करेगा और बाहर से इस छेद को बंद कर देती है एगलिंग के बाद। तो बाहर से आपको देखने पे क्या लगेगा कि ये जो सीड है वो पूरी तरह स्वस्थ है। आप देख के फिजिकली आप उसको देख के आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इसके इसको डैमेज किया गया है ना, इसीलिए इनको इंटरनली फीडर्स बोलते हैं, इंटरनल फीडर्स। और कल हमने जो पढ़ा था खपरा बीटल, उसमें क्या होता है वो बाहर से सीड को काटते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अंदर से, इसमें क्या है, अब जब इसका वेट करते हैं तो वेट बहुत कम होगा, इसका रीज़न क्या है, अंदर वाला सारा जो पोर्शन है वो ये खा जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, एगलिंग के बाद इसको अंदर ही अंदर फीड करते हैं और ये इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो इस सीड के अंदर ही चलती है, यानी कि इसी सीड से क्या है डायरेक्ट जो है एडल्ट बाहर निकल के आता है, प्रोड कीट बाहर निकल के आता है और जो इसका प्यूपेशन जो होता है, या फिर बात करें जो इसके लार्वा या ग्रब की बात करें उसमें जो मोल्टिंग होती है वो सब इसके अंदर ही होता है, ठीक है। इसके बाद ही प्रोड बाहर निकल के आता है और जो प्रोड कीट होता है वो फिर दूसरे जो स्वस्थ ग्रेन हैं उनके ऊपर एगलिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बस यही है, मेन ध्यान यही रखना है कि ये क्या है, इंटरनली फीड करता है, फीमेल यहाँ से कट करके इसके अंदर सीड देती है, वो सॉरी एगलिंग करती है, एगलिंग के बाद ये सीड को अंदर ही अंदर से फीड करता रहता है और पूरा जो सीड है वो खोखला हो जाता है, ठीक है।
अब फिर बात करें, ये नेचर ऑफ डैमेज हो गया, अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, इसके काफ़ी पेस्ट पड़ भी चुके हैं पहले। हम लाइफ साइकिल कैसा होता है, कंप्लीट होता है, और लाइफ में कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है, चलिए एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग की। ठीक है, तो एगलिंग मैंने आपको बता दिया कैसे होती है, या तो सिंगली या फिर ग्रुप में, 2 से 4 के ग्रुप में क्या है, जो सीड होता है उसको अपने माउथ से ये क्या थोड़ा सा कट करती है, और फिर वहाँ पे क्या है इसकी एगलिंग होती है। एग्स जो होते हैं वो सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि अर्ध पारदर्शक कैसे होते हैं, अर्ध पारदर्शक होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, अर्ध पारदर्शक वाइट कलर के। एक फीमेल जो होती है वो अपने लाइफ साइकिल में 250 से 300 तक एग्स देती है। फिर बात करेंगे ग्रब की। अब एक कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, इसमें नेचर ऑफ डैमेज में एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसकी कौन सी स्टेज डैमेज करती है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोलियोप्टेरा हो ऑर्डर है जो, तो उसकी कौन सी स्टेज डैमेज करती है, दोनों, बोथ, कौन कौन सी, ग्रब और एडल्ट, दोनों ही स्टेज नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस पेस्ट के बारे में अगर बात करें स्पेशली, तो इसकी जो ग्रब स्टेज है वो ज़्यादा डैमेज करती है, डैमेज दोनों ही करती है लेकिन ग्रब जो स्टेज होती है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। फिर बात करेंगे ग्रब जो है ये कैसा होता है, स्टार्टिंग में तो वाइट कलर का होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, वाइट कलर का होता है लेकिन पेल येलो यानी कि थोड़ा सा पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, साइज़ इसका होता है 0.8 mm तक, बहुत ही छोटा साइज़ होता है। बाद में जैसे जैसे मोल्टिंग होती है थोड़ा बहुत साइज़ बढ़ जाता है। 3 मोल्टिंग होती है इसके अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर 3 मोल्टिंग होती है, उसके बाद क्या है फिर ये प्यूपा में बदल जाता है। और एक जो खास इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसका जो लार्वा या ग्रब होता है उसमें लेग्स नहीं होती है। ठीक है, उसमें क्या है लेग्स नहीं होती, पैर नहीं होते उसके, ग्रब जो है वो क्या है सीड के अंदर जाने के बाद बस उसको अंदर ही अंदर फीड करता रहता है, और ये कहने का मतलब इधर उधर वो मूवमेंट नहीं करता है ज़्यादा। फिर बात करेंगे प्यूपा का, तो प्यूपेशन इसका कहाँ होता है, सीड के अंदर ही होता है जहाँ सीड को खोखला करता रहता है ये। और प्यूपा जो है वही बनता है, ब्राउन कलर का होता है और 2.5 mm तक उसका साइज होता है। फिर ये जो प्यूपा है इससे कुछ दिनों बाद एडल्ट बाहर निकल के आता है। एडल्ट जो है इसका वो क्या है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल यानी कि बॉडी जो होती है वो लंबा यानी भूरे रंग का, लंबा और बेलनाकार है ना, बेलन देखा है, बेलनाकार सिलेंडर शेप होता है। साइज इसका होता है 3.5 mm। ठीक है, बॉडी साइज जो होता है 3.5 mm। और ये जो कुरकुलियोनिडी ऑर्डर है ना, सॉरी फैमिली जो है कोलियोप्टेरा के अंदर, कुरकुलियोनिडी जो फैमिली है यानी विविल्स वाली जो फैमिली है, इसकी खास बात क्या है कि इनके ऊपर, इनके अंदर क्या है, एक स्नाउट पाई जाती है, आगे वाला जो माउथ पार्ट जो होता है उसके आगे क्या है, एक स्नाउट जिसको क्या बोलते हैं अगर हिंदी में बात करें तो सूंड, ये पाई जाती है। इसी को क्या है वो सीड वगैरह के अंदर और बाइटिंग एंड चेविंग टाइम माउथ पार्ट्स होते हैं, तो इसी सूंड की वजह से क्या है वो किसी भी सीड को, मतलब बॉडी इनकी दूर भी रहती है थोड़ी सी तो भी क्या है ये इसको आसानी से फीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है 1 mm की, 3.5 mm तो साइज़ होता है और 1 mm के आसपास क्या होती है, स्नाउट होती है। ठीक है, फिर एंटीना की बात करेंगे तो जेनिकुलेट एंटीना होती है इसके अंदर। ठीक है, और इलाइट्रा जो है, अब मैंने आपको बताया कोलियोप्टेरा ऑर्डर में, मैंने पहले भी बताया कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर जो होता है उसकी फोर विंग्स जो होती है यानी कि आगे वाली जोड़ी जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से हार्डन स्ट्रक्चर होती है ना, थोड़ी सी क्या है हार्ड स्ट्रक्चर होती है, जो पीछे वाले विंग्स होते हैं उनको कवर करके रखती है, प्लस क्या है बॉडी की सेफ्टी का काम करती है। ये जो मॉडिफिकेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेट्रा है ना, इलेट्रा बोलते हैं। तो इसके जो इलेट्रा है वो क्या है, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, साइज ब्राउन कलर का होता है, इलेट्रा लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, और उस पर क्या है 2 pair ऑफ स्पॉट्स यानी कि 2 जोड़ी धब्बे पाए जाते हैं इलेट्रा के ऊपर यानी फोर विंग्स के ऊपर। ठीक है, अब ये मैंने आपको 2 स्पीसीज बताई थी इसकी, सीटोफिलस और आईजी और सीटोफिलस ग्रेनेरियस। इनमें अब डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको एडल्ट में। ये जो सीटोफिलस और आईजी है इसके विंग्स जो होते हैं, ये जो भी मैंने बताया इलाइट्रा लाइट ब्राउन कलर के 2 स्पॉट्स होते हैं, ये क्या है ये इसके विंग्स की बात हो रही है, और ये क्या है आसानी से फ्लाई कर सकता है, कहने का मतलब फ्लाइट कर सकता है, ये आसानी से उड़ सकता है। लेकिन सीटोफिलस ग्रेनेरियस जो है इसकी, ये जो स्पीसीज है इसके विंग्स जो होते हैं
इसके विंग्स जो होते हैं, मान लीजिए ये विंग्स है ना, ये विंग्स क्या है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि ये फ्लाई नहीं कर पाता है, ये उड़ नहीं पाता है और ये आसानी से फ्लाई कर लेता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, बाकी सब से ये है। फिर अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होती है। एग जो स्टेज होती है, अब उसमें एग में क्या होता है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है, मैंने काफ़ी पेस्ट में आपको बताता हूँ, लगभग इंसेक्ट में हर में यही होता है कि अगर अनुकूल अनुकूल वातावरण है, कहने का मतलब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब सही है, तो लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है, नहीं तो क्या है टाइम लगता है। अब बात करेंगे एग की, तो समर सीजन जो है, समर सीजन के अंदर क्या है, ये 2 से 4 दिन के अंदर एग से हैचिंग होती है और लार्वा निकल के आता है। या फिर विंटर सीजन जो है उसके अंदर क्या होगा, इसमें 6 to 9 days लग जाते हैं। अब लार्वा या बात करेंगे ग्रब की, तो इसमें क्या है 25 से 35 दिन लगते हैं, किससे, लार्वा जो स्टेज होती है उसके, उसके बाद ये क्या है प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा जो है, अब इसमें वही सेम चीज़ है जो समर सीजन है, उसमें तो क्या है 4 से 7 दिन ही बाद एडल्ट निकल जाता है, लेकिन अगर बात करें विंटर सीजन जो है, तो विंटर सीजन में क्या होगा, इसमें 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। एडल्ट जो होता है वो लगभग 5 दिन इसकी एज होती है, और इसके बाद क्या, जैसे ही रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। टोटल लाइफ साइकिल बात करें तो 15 to 50, यानी 15 से 50 दिन तो होता है समर के अंदर, समर सीजन जो है, ठीक है, लेकिन 51 to 69 days होता है अगर विंटर सीजन है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जनरेशन की बात करें तो इसके एक साल के अंदर, इन 1 year क्या है, 6 से 8 generation पाई जाती है, ये ध्यान रखना। अब देख लीजिए डायग्राम, ये क्या है राइस वीविल, अभी जो हम स्नाउट की बात कर रहे थे वो ये वाली चीज़ है ना, सूंड की जो बात कर रहे थे स्नाउट की, तो इसको क्या बोलते हैं स्नाउट। ये क्या है लगभग 1 mm साइज़ की होती है, और कुरकुलियोनिडी जो फैमिली है उसके अंदर ये सब में प्रेजेंट रहती है। ये दिख रहे हैं आपको जो राइस ग्रेन्स हैं, राइस के अंदर बहुत सारे ये लगे हुए हैं, या फिर ये इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ये ऐसे ही घूमते हुए आप आसानी से इसमें दिख जाते हैं, ठीक है, तो ये इसका नेचर ऑफ डैमेज है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो पेस्ट है, इसका मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इन सब का मैनेजमेंट जो है वो हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बाकी सारी चीज़ें। अब स्टोरेज है, भंडारण है, तो भंडारण गृह में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उनके बारे में वो हम एक साथ पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है लेज़र ग्रेन बोरर, ठीक है, लेज़र ग्रेन बोरर, ये भी कोलियोप्टेरा ऑर्डर का, ये मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि आपके सिलेबस के अंदर एक एंग्विश ग्रेन मॉथ नाम से एक पेस्ट है, बस वो ही एक पेस्ट है जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का है, बाकी जितने भी पेस्ट है स्टोरेज वाले वो सारे क्या है, चाहे इंटरनल ये सॉरी जो इंटरनली फीडर हो या फिर एक्सटर्नली फीडर हो, सारे क्या है कोलियोप्टेरा ऑर्डर के हैं, फैमिली अलग अलग है वो याद करनी पड़ेगी। इसका नाम है राइजोपर्था डोमनिका, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है राइजोपर्था डोमनिका, फैमिली इसकी होती है बोस्ट्रिचिडी और ऑर्डर होता है इसका कोलियोप्टेरा, ठीक है। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट की, तो होस्ट प्लांट इसमें भी सेम है, जितने भी भंडार आप, चाहे वो राइस हो गया या फिर आपका वीट हो गया है ना, इसके अलावा जो भी है दलहनी फसलें भी हुई, उन सब में क्या है ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो होस्ट प्लांट तो स्टोरेज वाले जो है लगभग क्रॉप्स होते ही है। अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, तो नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे, इसमें भी क्या है सेम सिचुएशन है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, तो कौन सी स्टेज नुकसान करेगी, जो लार्वा या बात करें जो ग्रब जो स्टेज होती है, ग्रब प्लस एडल्ट दोनों ही स्टेज क्या है नुकसान पहुंचाती है इसके अंदर भी, और ग्रब इसके उसमें क्या था, ग्रब ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें एडल्ट स्टेज जो होती है वो ज़्यादा नुकसान करती है, अकॉर्डिंग टू बात करें कंपेयर करें तो ग्रब के साथ, ठीक है। अब इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या होता है, जो इसकी फीमेल होगी, जो एडल्ट फीमेल होगी वो क्या करेगी, ग्रेन्स के ऊपर एग लेइंग करेगी,
एडल्ट फीमेल जो है वो उसी की तरह का क्या है ग्रेन्स के ऊपर एगलिंग करेगी, जैसे अभी पीछे हमने जो पढ़ा था पेस्ट ये करता है। तो इसमें भी क्या है, मान लीजिए ये ग्रेन है तो ग्रेन के ऊपर क्या है ये एगलिंग करेगी। एगलिंग करने के बाद इसके जो लार्वा या ग्रब निकल के आएंगे वो क्या है इसको अंदर ही अंदर फीड करते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि ग्रब इसके अंदर इंटर होता है, ठीक है, और इसको अंदर ही अंदर फीड करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे जैसे मोल्टिंग होती है इसका साइज बढ़ जाता है, इसका साइज क्या है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या है कि ये इसके अंदर इंटर नहीं कर सकता, यानी सीड के साइज के अकॉर्डिंग ये क्या है इसको पूरा अंदर से फीड नहीं कर सकता। इसलिए क्या करता है ये, इसका जो लार्वल स्टेज जो होती है ग्रब स्टेज होती है वो ऐसे फीड करेगी जहाँ तक फीड कर सकती है, उसके बाद दूसरी साइड से, यानी कि ये जो ग्रेन है इसके आपको टुकड़े मिलेंगे, इसको बहुत सारे टुकड़ों में वो काट देता है, प्लस क्या है इसको आटा जो होता है फ्लोर जो होता है उसमें बदल देता है, यानी कि इसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस है ना छोटे छोटे पीस में काट देगा जो ग्रेन होता है, प्लस क्या है उसका फ्लोर यानी कि उसका आटा बना देता है ये पेस्ट जो है, ठीक है। ये क्या करता है नॉर्मली या तो ऐसे फीड करेंगे या फिर क्या इनके एडल्ट के द्वारा जो बनाए गए हैं स्पेस, यानी कि एडल्ट जब फीड करता है सीड के ऊपर तो उससे क्या है जो स्पेस बन जाता है या जो गैलरीज बन जाती है उनके अंदर ये फीड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसी कारण ये क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है नुकसान कैसे करता है, ये नुकसान अगर बात करें तो ये खाता ज़्यादा नहीं है, कहने का मतलब ये फीड बहुत कम करता है, लेकिन क्या होता है कि जो इसकी डैमेज का जो बात करें हमें जो डैमेज होता है इकोनॉमिक डैमेज जो होता है लॉस जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काट काट कर सीड्स को क्या है ख़राब कर देता है, ठीक है। और इसका जो लार्वा जो होता है या ग्रब जो होता है वो क्या है स्टार्टिंग कंडीशन में, यानी कि जब फीड करना स्टार्ट करता है तब वो क्या है स्ट्रेट रहता है, सीधा इसके अंदर फीड करता हुआ रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसका साइज जैसे बढ़ जाता है तो वैसे वैसे वो क्या है ग्रेन के अकॉर्डिंग बैंड होता रहता है, और फिर क्या है सी शेप यानी कि सी शेप में वो बदल जाता है, ठीक है। इसके ये पहचानने का एक ये भी है कि इसके ग्रब को हम पहचान सकते हैं, वो आपको सी शेप का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद क्या है जो एडल्ट बाहर निकल के आएंगे इसी सीड के अंदर ही वो प्यूपा में बदलते हैं, उसके बाद जो एडल्ट निकलेंगे तो एडल्ट जो होते हैं वो दूसरे जो स्वस्थ बीज होते हैं वहाँ पे जाके एगलिंग स्टार्ट करते हैं और वापस से लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो इसको देख लेना अभी अच्छे से। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो इसमें भी क्या है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, चार स्टेज होगी, ठीक है, ये सब ध्यान में आना चाहिए आपके। फिर बात करते हैं एग की, ठीक है। तो एग क्या है, इसमें भी सिंगली मेनली सिंगली दिए जाते हैं या फिर दो से चार के ग्रुप में, और ये एगलिंग करता कहाँ है, एगलिंग जो है सीड के अंदर सेंटर में जो एम्ब्रियो वाला जो पोर्शन होता है उसके आसपास, एम्ब्रियो वाला जो पोर्शन होता है उसके आसपास इसकी एगलिंग की जाती है, ठीक है। एग्स जो होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं, यानी कि नाशपाती के आकार के होते हैं, नाशपाती के आकार के इसके एग्स होते हैं। पहले क्या होते हैं वाइट कलर के होते हैं जो बाद में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग में जब एगलिंग की जाती है तब वो वाइट कलर के होते हैं और बाद में चेंज हो जाते हैं पिंक में। एक फीमेल जो है वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर 300 से 500 तक एग्स देती है। अब बात करेंगे ग्रब्स की, तो ग्रब जो है वो वाइट कलर के होते हैं, यानी कि एग की हैचिंग के बाद जो ग्रब निकल के आएगा वो कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, और बॉडी अभी मैंने आपको बताया सी शेप है ना, यानी कि ये जैसे जैसे फीड करेगा तो इसकी बॉडी साइज क्या है बढ़ती जाएगी, तो ये क्या है कंफर्ट फील नहीं करता है, उसकी वजह से क्या है धीरे धीरे ये क्या है बैंड होता रहता है और सी शेप में चेंज हो जाता है। मोल्टिंग इसमें होती है चार से पाँच बार त्वचा निर्मोचन होता है, उसके बाद ये क्या है फुली ग्रोन जाता है और फुली ग्रोन होने के बाद प्यूपा में बदल जाता है। साइज होता है इसका 2 mm के आसपास, और इसका हेड जो है यानी सिर वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है ब्राउन कलर का होता है, और इसकी बॉडी के ऊपर माइन्यूट यानी कि बहुत ही छोटे छोटे क्या है हेयर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी ग्रब स्टेज जो है। अब बात करेंगे प्यूपा की, तो प्यूपा मैंने अभी आपको बताया क्या है विद इन सीड, सीड के अंदर ही होता है और कुछ इसमें ब्राउन कलर का होता है, बाकी कुछ खास नहीं है इसके अंदर। फिर बात करेंगे एडल्ट की, तो प्यूपा से जो एडल्ट बाहर निकल के आता है वो भी क्या होता है ब्राउन, और ब्राउन कैसा गहरे भूरे रंग का, जो बादामी भूरा रंग होता है, बादाम देखा सबने, तो बादामी भूरे रंग का क्या है इसका
कलर होता है या फिर क्या है ब्लैक, या फिर कुछ में क्या है ब्लैक भी होता है, इन दोनों में से एक कलर होता है ठीक है। ब्राउन आलमंड यानी कि बादामी भूरे रंग का या फिर ब्लैक कलर का होता है। और इसकी बॉडी जो होती है वो क्या है खुरदरी होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो खुरदरी सी होती है, रफ़ बॉडी होती है। कहने का मतलब क्या है रफ़ बॉडी होती है ठीक है, रफनेस होती है इसकी स्किन के ऊपर। फिर बात करेंगे स्मॉल यानी कि साइज जो है इसका छोटा साइज होता है, प्लस इसकी भी बॉडी क्या है सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार बॉडी होती है इसकी सिलेंड्रिकल, और साइज क्या होता है इसका 3 से 4 mm, एडल्ट जो होता है उसका साइज 3 से 4 mm होता है। अब इसकी एक खास बात क्या है, इसमें जो एंटीना जो होती है श्रृंगिका जो होती है वो क्या है 80 segmented यानी कि 80 खंड होते हैं उसके अंदर, एंटीना जो होती है उसके अंदर क्या है 80 segment होते हैं। और लास्ट वाले जो 3 segment हैं इन 80 में से लास्ट वाले जो 3 segment हैं वो क्या है सॉ-लाइक आरी, देखिए सबने आरी जैसे क्या कन्वर्ट हुए रखते हैं, लास्ट जो 3 segment है वो क्या है सॉ-लाइक या फिर आरी नुमा 80 segmented, लास्ट 3 जो है वो क्या है सॉ-लाइक यानी कि आरी की जैसी संरचना बनाए हुए रहते हैं ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल मैंने अभी बताया आपको 4 stages होती है। एग जो स्टेज होती है वो 5 से 6 दिन की होगी, किसमें समर सीजन में, विंटर सीजन है तो वो कितनी हो जाएगी 15 से 21 दिन की। लार्वल है वो 40 to 50 days और प्यूपा जो है 7 से 8 दिन, इसके बाद क्या है फिर एडल्ट बनता है। एडल्ट में रिप्रोडक्शन के बाद 4 से 5 दिन बाद फिर क्या है एग निकल के आता है बाहर और फिर से वापिस से क्या है ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। टोटल लाइफ साइकिल की बात करें तो 56 to 69 days तो होता है समर के अंदर और 66 to 84 होता है विंटर सीजन के अंदर ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। और 5 to 7 generation क्या है एक साल के अंदर पाई जाती है। स्टोरेज पेस्ट जितने भी हैं इनमें एक कॉमन चीज़ है क्या कि इनके लिए इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जो होती है प्लस टेम्परेचर जो होता है, नमी और तापमान जो है दोनों का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है प्रभाव पड़ता है इनके लाइफ साइकिल से, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। लेकिन जो खपरा बीटल जो पेस्ट है, खपरा बीटल जो पेस्ट है उसकी खास बात क्या होती है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर रह सकता है, प्लस क्या है नमी भी अगर बहुत कम हो जाए तो भी वो सर्वाइव कर सकता है। उसकी जो बात करें वीकनेस जो होती है वो क्या होती है ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया था ना ऑक्सीजन लेवल उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर ऑक्सीजन कम है तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। चलिए देख लीजिए डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, यह क्या है इसका एडल्ट है। अब इसके जो लार्वा एडल्ट जो है वो क्या ऐसे, अब ये सीड को दिख रहा है, सीड को जगह जगह से काटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सीड देख लो, ये सीड को क्या है बीच में से काट देते हैं और अंदर ही अंदर से क्या है इसको खोखला कर देते हैं पूरा, और सीड जो है वो बहुत ही हल्का हो जाता है ठीक है। इसका भी मैनेजमेंट लास्ट में पढ़ेंगे एक साथ ही। अब बात करते हैं पल्स बीटल की ठीक है। नेक्स्ट है पल्स बीटल, बीटल बेसिक कोलियोप्टेरा में ही आते हैं। पल्स का मतलब क्या है दलहनी, तो इसका होस्ट प्लांट की बात करें तो जितने भी दलहनी फसल है, दलहनी फसल जितनी भी है उनको जब स्टोर में करते हैं स्टोरेज जो होता है तो उसके अंदर ये क्या सब में लॉस करता है, सबको नुकसान पहुंचाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैलोसोब्रुकस चाइनेसिस ठीक है, कैलोसोब्रुकस चाइनेसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। फैमिली होती है इसकी ब्रूचिडी और ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा ठीक है। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट हो गया, अब बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की ठीक है। तो इसमें एक खास बात क्या है कि इसका जो डैमेज है ठीक है, नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे तो इसका डैमेज जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है फील्ड से, यानी कि ये वो पेस्ट है जो फील्ड से यानी कि जो हमारा खेत जो होता है जहाँ हमने फसल ग्रो कर रखी है वहाँ से डैमेज स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर क्या है ये कहाँ आ जाता है स्टोरेज में, जो हम भंडारण कर रहे हैं वहाँ पर आ जाता है। स्टार्टिंग में क्या होगा ये जो लीफ होती है या फिर बात करें जो भी पॉड वगैरह बनी होती है फील्ड के अंदर उस पे क्या करता है ये एग लेइंग देती है। एग लेइंग करने के बाद जो एग्स हैं वो क्या एग से जो लार्वा या ग्रब निकल के आते हैं वो क्या है इसको जो सीड्स जो बने होते हैं फली के अंदर, इन सीड्स के अंदर क्या है इंटर कर जाता है और फिर सीड को अंदर ही अंदर से फीड करता रहता है। और उस समय क्या होता है जो मेच्योरिटी वाला टाइम होता है उस समय क्या धीरे धीरे जो सीड ग्रो होते हैं उसकी वजह से क्या है ये बाहर का जो छेद है ये भी क्या है बंद हो जाता है
फिर हम जब इसको हार्वेस्ट करते हैं तब भी क्या है, हमें ये दिखाई नहीं देता कि इस ग्रेन के अंदर कोई जो है पेस्ट भी है। तो ये क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद हम जो कलेक्शन करते हैं सीड का, उसके साथ ही क्या है ये कहाँ चल जाता है, जो स्टोरेज है हमारा भंडार गृह जो वहाँ चल जाता है, और फिर वहाँ पे क्या है ये डैमेज स्टार्ट कर देता है। और आगे आगे जैसे इसकी क्या है बहुत सारी जनरेशन बढ़ती जाती है, बहुत नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते रहते हैं, संख्या बढ़ती रहती है, और स्टोरेज में क्या है ये नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। और स्टोरेज में क्या है, अगर बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो स्टोरेज में जो एगलिंग होती है, यानी कि इसके जो बात करें ग्रब जो होंगे या एडल्ट होंगे, वो आपको सीड्स जो होते हैं सीड के ऊपर क्या है चिपके हुए दिख जाते हैं, आसानी से सीड के ऊपर चिपके हुए दिख जाते हैं, या फिर सीड के अंदर भी दिखते हैं। अब ये सीड की बात करें, क्योंकि ये क्या है इंटरनली फीडर है, अब इंटरनली फीडर है इसका मतलब ये भी क्या है सीड को अंदर ही अंदर से खाता रहता है। तो ये सीड के अंदर इंटर होगा और इसको अंदर ही अंदर से फीड करता रहता है। इसके बाद क्या है, जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम वेट करते हैं, प्लस उसके बाद जब हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको स्टोरेज ग्रह में, अपने स्टोर ग्रह में ले जाते हैं या भंडारण ग्रह में ले जाते हैं, उसके बाद क्या है उसको जैसे ही अगर आप वापस उसका वेट करके देखोगे तो वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसका रीज़न क्या है कि अंदर ही अंदर से उसको क्या है फीड कर जाता है पूरा। स्टार्च वाला जो पार्ट है ना, ये क्या करता है, जो भी स्टार्च वाला भाग जो होता है सीड का, उसको फीड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है उसमें वेट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, प्लस क्या है हमें इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गया इसका डैमेज, ये क्या है फील्ड कंडीशन से स्टार्ट होता है और स्टोरेज तक जाता है, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना भी थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब में सेम है। डैमेज तो वैसे ही इंटरनली सीड बोलना है तो वो अंदर से फीड करेगा, और एक्सटर्नली है तो वो बाहर से सीड को फीड करेगा। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो इसके भी लाइफ साइकिल में चार स्टेज है। कोलियोप्टेरा ऑर्डर है सेम है, एग से 4 से 5 दिन बाद में क्या है लार्वा या फिर ग्रब बाहर निकल के आता है, और उससे 14 से 21 दिन बाद में फिर प्यूपा बनता है। प्यूपा में क्या है, ये दोनों मैं पहले ही बता दिया आपको, अलग अलग टाइम, अगर समर सीज़न है तो कम समय लगेगा, अगर विंटर सीज़न है तो ज़्यादा समय लेता है। अगर समर सीज़न है तो ये क्या है 4 दिन के बाद ही क्या इससे एडल्ट बाहर निकल जाता है, अगर विंटर सीज़न है तो उसमें 1 महीने तक का समय लग जाता है, यानी कि 28 डेज। फिर उससे 3 से 4 दिन बाद में क्या है एडल्ट जब बनता है इनसे 3 से 4 दिन बाद, रिप्रोडक्शन के 3 से 4 दिन बाद वापस एगलिंग स्टार्ट होती है, और ये साइकिल चलता रहता है। एक साल में इसकी भी 7 से 8 जनरेशन पाई जाती है। टोटल लाइफ साइकिल जो होता है वो समर सीजन में तो होता है 25 to 34 डेज, और विंटर सीजन जो होता है उसके अंदर होता है 49 to 58 डेज, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब एक ध्यान रखना भाई, इनमें जो डैमेज की स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब भी इनका नेचर ऑफ डैमेज लिखेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर लिखनी होगी कि इसकी कौन सी स्टेज जो है वो नुकसान पहुँच जाती है। मैंने आपको बता दिया सब में अलग अलग, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो उसकी कौन सी स्टेज नुकसान करेगी, सिर्फ कैटरपिलर। अगर बात करेंगे कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है तो उसकी कौन सी स्टेज ग्रब और एडल्ट दोनों नुकसान करेगी, या हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसके अंदर होता है लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती है, उनमें क्या है निम्फ और एडल्ट जो है दोनों स्टेज नुकसान पहुंचाती है। तो ये सीड दिख रहे हैं कटे हुए, ये सब किसकी वजह से, ये दलहनी सीड्स है ये मूंग के इनके, तो ये क्या है इसको अंदर ही अंदर से बाहर से इंटर होके फीड करते रहते हैं। बाहर जगह जगह इस पर होल दिखते हैं, यानी कि बाहर का जो बाहर वाला जो खोल है सीड का, है ना, बाहर वाला जो कवर है सीड का, वो सीड कोट जो है वो आपको सही मिलेगा अकॉर्डिंग टू, अगर कंपेयर करेंगे अंदर वाले पोर्शन से, क्योंकि अंदर जो भी स्टार्च वाला ये खाने वाला जो भाग है उसको ये फीड कर जाते हैं, और एक क्या है पूरा जो सिर्फ कवर बाकी रहता है, जिसकी वजह से क्या है इसमें वेट बहुत कम रहता है। ये इसका एडल्ट होता है, दिख रहा है सबको। और इसमें एक खास बात ये और क्या होती है, विंग्स की अगर बात करें, है ना, जो एडल्ट जो होता है उसके अंदर क्या है, बाकी सब में विंग्स जो है वो क्या है कवर करके वे रखते हैं, विंग्स जो है वो कवर करते हैं पूरा जो एब्डोमन होता है उसको कवर किए हुए रहते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसमें जो विंग्स होते हैं वो एब्डोमन को पूरा कवर नहीं करते हैं। अब आप देख रहे हो इसके जो विंग्स हैं, ये यहाँ तक विंग्स है, इसके बाद ये जो पोर्शन है ये क्या है एब्डोमन है इसका, यानी कि एब्डोमन के लास्ट वाला जो सेगमेंट है वो क्या है ओपन रहता है, यानी कि ढका हुआ नहीं होता है विंग्स से, ठीक है। ये दिख रही है हार्ड जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है हार्ड स्ट्रक्चर होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं एलाइट्रा बोलते हैं। कोलियोप्टेरा में सभी कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जितने भी पेस्ट आते हैं उनके अंदर क्या होगा, चाहे वो वीविल हो या फिर वो बीटल हो,
उनके अंदर क्या होगा कि जो फोर विंग्स जो होती है वो हार्डन स्ट्रक्चर होती है, टफ स्ट्रक्चर होती है, जो क्या बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद भी हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एक पेस्ट और बचा है आपका, ग्रेन मोथ, एंग्विश ग्रेन मोथ, जो कि क्या है लेप्टोप्टेरा ऑर्डर के, बाकी सारे ये क्या है कोलियोप्टेरा ऑर्डर के थे। इसके बाद क्या है हम उसका पढ़ेंगे टोटल जो इनका है मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कैसे कैसे इसको मैनेज करेंगे वो सब पढ़ेंगे। ओके, पढ़ लेना भी इसको अच्छे से। स्टोरेज पेस्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, एक बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है स्टोरेज पेस्ट में से, अब वो कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।